आकाशगंज में वादी श्री सूरज भान पुत्र राम भान निवासी राजेंद्र नगर थाना गंज डुडवारा जनपद कासगंज द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि दो अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा सहनाई पैलेस पटियाली रोड पर मेरी कनपटी पर तमंचा रखकर 40,000 रुपए लूट कर ले गए, जिसके संबंध में थाना गंज डुडवारा पर वादी की तहरीर के आधार पर धारा 392 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई थी तथा विवेचना के दौरान माल बरामदगी के आधार पर धारा 411 भावदी की बढ़ोत्तरी की गई। पुलिस अधीक्षक कासगंज BBGTS मूर्ति के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री जितेंद्र दुबे के नेतृत्व में जनपद के सभी थानों पर चोरी व लूट की घटनाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज मुखबिर खास की सूचना पर बाईपास रोड खड़ंजा पर बने ट्यूबवेल के पास पटियाली गंज डोडवारा मार्ग पर लूट की घटना की योजना बनाते हुए दो अभियुक्तगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजने की अग्रिम कार्यवाही की गई। देखिए, आज हमारे गंज डोडवारा थाने के क्षेत्र के अंतर्गत ये जो पटियाली रोड है वहाँ पर ट्यूबवेल के पास जब सुबह 4 बजे एक खास मुखबिर की सूचना पर जब हम लोग चेकिंग कर रहे थे उस समय पे दो अभियुक्त मिले हैं जो एक लूट की योजना बना रहे थे। इनका नाम है दिनेश शर्मा जो अलीगढ़ निवासी है और पप्पू सोनकर जो कानपुर निवासी है। इनके यहाँ से हम लोगों ने जो कल शाम को जो एक व्यक्ति से 40,000 रुपए जो लूटी गई थी मात्र 12 घंटे में हमने उन पैसे को बरामद भी कर लिया है। उसके अलावा जो 7 तारीख को 5 तारीख को हमारे कासगंज में जो एक बुजुर्ग की थैली में से जो 3 लाख रुपए घटना की चोरी जो हुई थी वो भी इन्होंने मतलब कड़ी पूछताछ के उपरांत कबूल कर लिया। इनका एक गिरोह है, 4 लोगों का गिरोह। इनमें इनका जो लीडर है उनका नाम है रामबाबू जो अलीगढ़ का निवासी है और एक और डब्बू उर्फ सुल्तान वो भी अलीगढ़ के निवासी है। ये चारों का एक गिरोह है और इनका लीडर जो है रामबाबू है। तो इनके यहाँ से अभी फ़िलहाल हमने करीब 90,000 रुपये बरामद कर लिए। उसके अलावा एक अपाचे मोटरसाइकिल जो बिना नंबर प्लेट के वो मिल गई नीली कलर के, 2 तमंचे 2 .315 बोर के और 2 कोका जो इंदा कारतूस वो भी मिले हैं। इसके अलावा ये जो 3 दिन पहले कासगंज जब पूछताछ चल रही थी तो कासगंज में 3 दिन पहले जो एक महिला से जो चेन लूटी गई थी उसका भी वारदात इन्होंने किया है। और करीब 10 महीने पहले अक्टूबर में 23/10/2021 को एक महिला के घर में जो जेवरात वगैरह जो लूटी गई थी उसका भी वारदात इसी गिरोह ने किया है। अभी फ़िलहाल इनका लीडर रामबाबू और डब्बू जो है भागे हुए हैं। एक बार वो मिलते ही हमें और भी मतलब अवगत होगा कि इनका प्लान क्या था, कैसे इन्होंने किया। जो भी सूचना हमें मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।